हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टू बन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले बीपीसीएल शेयर्स के बारे में। तो वीडियो होने वाली है थोड़ी सी लंबी, और पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव। चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जो कोई भी इस चैनल पे नए हैं, प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज्यादा वो सपोर्ट कीजिए कि आप लोग के लिए इसी तरीके से मैं वीडियो अपलोड करते रहूँ, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये मोटिवेशन आता नहीं है। क्लीन एंड क्लियर, एवरीथिंग इज गिव एंड टेक पॉलिसी। चलो बात करते हैं अब यहाँ पे बीपीसीएल के बारे में। यहाँ पे 345 रुपीज पे ट्रेड करते हुए दिख रही है और अच्छी खासी डाउन ट्रेंड मेंटेन कर चुकी है। अब अच्छी खासी डाउन ट्रेंड मेंटेन की, 1.21% तक डाउन ट्रेंड मतलब डाउन आ चुकी। यहाँ पे बात करें तो एक महीने में जो तेजी हमें दिखाई थी, ये शेयर कितना तेजी दिखा दी थी, और उसी तरीके से अभी उस लेवल पे आ चुकी है। मतलब फिर से बहुत ही ज्यादा डाउन आते हुए मैं दिख गई। बीपीसीएल पे हम लोग यहाँ तक ये भी बात किए थे कि 380 को क्रॉस करके उससे भी गजब का तेजी दिखाएगी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिखा। बहुत ही निराशा वाली बात आई, बट यहाँ पे जो हम लोग सपोर्ट लेके चले थे वो सपोर्ट मेजर रोल प्ले कर दिया हमारे लिए, वन ऑफ द सेफ प्ले हुआ अभी के लिए। बट यहाँ पे 340 एरिया बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन बन रही है, तो आपको वो ध्यान रखना है। 340 एरिया अभी सपोर्ट जोन है, तो सपोर्ट जोन को अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पे आप देखें आज के दिन जो होल्डिंग्स बनते हुए दिखी है, यहाँ पे देख सकते हैं होल्डिंग्स कितना बनते हुए दिखी, 41.07 डिलीवरी क्वांटिटी ट्रेडेड, तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना बनते हुए दिखी और जो अच्छी खासी है। बट अभी हम लोग आगे की साइड मूव करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग पूरी चीज पे ध्यान दें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मनी कंट्रोल की तरफ से क्या रिकमेंड किया जा रहा है, और फिर हम लोग अपने तरीके से समझेंगे। यहाँ पे 100% बाइंग बोला जा रहा है, और 100% बाइंग क्यों ही ना बोला जाए यार, मतलब अच्छी स्टॉक है, मार्केट में अच्छा तेजी बना देती है, प्रॉफिट बना के देती है, तो भाई क्यों नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही अच्छी है। बट यहाँ पे एक बहुत ही सारा मेजर ड्रॉबैक भी आता है और मेजर सपोर्ट भी आता है। सबसे पहले कंपनी के साइड बात करते हैं, यहाँ पे कंपनी के थोड़े से ऑपरेशन फाइनेंशियल डेटा सब पे चले जाते हैं। डिविडेंड पे आउट में बहुत ही अच्छी है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिविडेंड में कोई कमी नहीं है, और डिविडेंड में कमी नहीं है तो मार्केट में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करूँ, मार्केट में इसकी अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की साइड बात करें तो अच्छी तेजी बनते हुए दिख रही है, बहुत ही अच्छी तेजी, लास्ट टाइम से कमी होते हुए दिखी है। और लास्ट टाइम आपको दिखा भी होगा 400 पे ट्रेड करते हुए दिख गई थी, उसके सिनेरियो पे पहुंच गई थी, बट अभी चेंज हो चुकी है पूरी की पूरी सिनेरियो। यहाँ से ग्रोथ का जो इमेजिन मतलब ग्रोथ का प्लान किया जा रहा है बहुत ही अच्छा खासा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, कैश फ्लो पे बात कर लेते हैं। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अच्छी तेजी, छोटी मोटी नहीं बहुत ही अच्छी तेजी, और यहाँ पे एट द लास्ट हम लोग यहाँ पे भी ध्यान दें जस्ट वे 2023 में, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी मतलब फिगर्स कम होते हुए दिखी। और जब फिगर्स कम होते हुए दिखी, हमेशा मैं आपको पूरी डेटा को दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे भी फिगर्स कम होते हुए दिखे। मैं 2015 का बात कर रहा हूँ, सबसे पुराना 2015 का बात कर रहा हूँ, 5000 पे या 4000 पे इस पॉइंट पे चल रही थी, तब पर भी एक अपर ट्रेंड को फॉलो करते हुए दिखी। अब डायरेक्टली मैं यहाँ से मूव करता हूँ, आपको दिखाता हूँ 2015 का चार्ट, तो यहाँ पे 5-10 ईयर का चार्ट खोल देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 2015 के डेटा में जस्ट वेट ये, या 2015 के डेटा के बाद देखेंगे यहाँ से जो यहाँ पे अगर कंपनी के फंडामेंटल से बात करें तो यहाँ पे भी एक अपर ट्रेंड बहुत ही अच्छे प्यारे तरीके से फॉलो करती हुई दिखी थी, जहाँ पे 488 उस टाइम की सिनेरियो अलग थी, बहुत सारी चीज डिफरेंसेस चेंज होते हुए दिखी है लगातार मार्केट में, ऐसा नहीं है तो वहां पे बहुत सारी चीजों के चलते चेंजेस होते हुए दिखा। बट अभी जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है हमें, यहाँ पे जस्ट बता देता हूँ आप लोग को क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। प्रॉफिट अभी के टाइम में जो हमें होते हुए दिखी थी, मतलब प्रॉफिट बनते हुए दिख रही है मार्केट में, वो अभी 2131 के बीच में आ जाती है। अब 2131 के जब बीच में आती है तो यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला, मतलब 11,000 से डायरेक्टली 2131, और ये एज्यूमिंग फिगर जो आ रही है फ्यूचर के लिए वो बहुत ही ज्यादा है। अब आगे की ओर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ध्यान दें तो यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ते हुए दिखी है, जो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा आपको फ्यूचर में ग्रोथ बनते हुए दिखेगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी देख सकते हैं माइनस फिगर है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा खासा होते हुए दिखा है। अब इस फिगर को हम लोग थोड़ा और ध्यान दे देते हैं और इस चार्ट पैटर्न को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। जस्ट वेट, बीपीसीएल शेयर्स पे चले जाते हैं, यहाँ पे हम लोग 5 ईयर से बात करेंगे, 5 ईयर्स क्या उससे ज्यादा ही चले जाते हैं, तो यहाँ पे जस्ट वेट, यहाँ पे देख सकते हैं पुराने टाइम में शेयर कैसा परफॉर्मेंस बनाते हुए दिखी है। शेयर देख सकते हैं एक टाइम में इसी तरीके से लगातार मतलब बहुत ही अच्छा रेसिस्टेंस मेंटेन करते हुए दिखी है अपर साइड में, और यहाँ पे 500 से भी प्लस पे
ट्रेड करते हुए दिखी। फिर उसके बाद एक डाउनफॉल देखने को मिला, और डाउनफॉल कब के 2022 में हमें ये डाउनफॉल देखने को मिला। और ये यहाँ पे उसके बाद मतलब अगर बात करें कोविड टाइम में, तो कोविड टाइम में जब सारी शेयर्स अच्छी खासी डाउन थी, इनफैक्ट ये भी आई, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आई, ये भी अच्छी खासी आई 225 तक, और फिर से तेजी बनाई, अच्छी तेजी थी मार्केट की। और उससे पहले भी मार्केट में मतलब कोविड से थोड़े टाइम पहले की बात करें तो यहाँ पे गजब का तेजी उस टाइम भी देखने को मिला। बट अभी के सिनेरियो में मैं आप लोगों को खुद बोलता हूँ 300 की रेंज में आए बाई करके रख लो, पैसा बना के देने वाली है, 300 की रेंज में आए तो पैसा बना के दे देगी आपको, और बाई करके रखना एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है, अभी भी बाइंग एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बट यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ड्रॉबैक यहाँ पे रह सकती है कि यहाँ पे कुछ टाइम ले सकती है, टाइम कंज्यूम कर सकती है ज्यादा, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूम कर सकती है, क्योंकि हम मैं ये पूरा ईयर का चार्ट पैटर्न खोल के रखा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न खोल के रखा हूँ, ईयरली चार्ट पैटर्न खोल के रखा हूँ। अभी जो डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रही है तो यहाँ पे इसकी बहुत ही 330 के रेंज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट बन रही है 330 के रेंज में, फिर उसके बाद इसकी सपोर्ट बन रही है 317 के रेंज में, तो 315 तक लेके चलते हैं उस चीज को, और ऑल ओवर में हम लोग को 300 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही है। रेसिस्टेंस एरिया की बात करें तो रेसिस्टेंस एरिया डायरेक्टली 400 में ही हम लोग को मेन स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिख रहा है। फिर अभी के टाइम में अभी के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे हम लोग को 360 पे भी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस मिल रहा है, उसके ऊपर 5 पॉइंट्स पे भी, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस बहुत ही ज्यादा मेंटेन बहुत ही ज्यादा है। बट यहाँ पे जो हमारी डाउन ट्रेंड जिस तरीके से फॉलो करते हुए दिखेगी मार्केट में मतलब अभी के टाइम में, तो ये सारी सपोर्ट को ब्रेक करती है तब जाके ये 300 तक पहुंचेगी, और 300 पे एक अच्छा बाइंग देखने को मिल सकता है हमें। ये तो हमारा एनालिसिस किया हुआ है, टेक्निकल का बात कर ली है, अब थोड़ा अदर फिगर्स के साइड बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मतलब ऑल ओवर तो हम लोग इसके बारे में बात कर लिए कि नेट कैश फ्लो, तो यहाँ पे एक बार बॉरिंग्स के साइड देख लेते हैं, बॉरिंग्स अच्छी खासी है और यहाँ पे रिजर्व भी बहुत अच्छी खासी, ये सब दो तीन चीज ड्रॉबैक लगती है मेरे नजर में। ये हमेशा मतलब मेरी नजर में हमेशा वो कम मैं हमेशा ध्यान देता हूँ कि रिजर्व बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, रिजर्व एक अच्छा ऑप्शन बनता है यहाँ पे। बट कंपनी के इस साइड एक और एडवांटेज की बात करो तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो फिक्स एसेट है बहुत ही ज्यादा है, और फिक्स एसेट बहुत ज्यादा है तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है यहाँ पे, कि मतलब अच्छा आपको चांसेस मिल सकता है, मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इनफैक्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी कोई कमी नहीं होते हुए दिखी है। कंपनी की ऑल ओवर बात भी करें तो यहाँ पे इसकी बुक वैल्यू जो आ रही है 247 की बुक वैल्यू है, और अभी हमें करेंटली तो आप जानते हैं 344 पे दिख रही है, तो आपको सिनेरियो में ऑल ओवर सिनेरियो में आपको दिख सकता है कि यहाँ पे अभी के टाइम में जो डाउन ट्रेंड क्रिएट करी है 300 पे मिल गई तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे आप अपना 320 तक में आ जाती है तो अपना पैसा लगाना स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा डाउन एंड अप आएगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करो तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। शॉर्ट टर्म वाले लोगों को बता दिया हूं, बट कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इनफैक्ट लगातार वीडियो आप लोग के लिए अपलोड हो रही है, SBI कार्ड से लेकर सारी चीज की वीडियो अपलोड कर देता हूं, तो प्लीज गो एंड वॉच इट गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। डाउट हो तो कमेंट कर लो।